हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया। आज चलिए हम कोड बीएसएस से जो रीजनिंग है कोडिंग रिकॉर्डिंग का, तो उसका हम एक लेने जा रहे हैं, है ना, लाइव। और ये आज का लास्ट होगा, मतलब कोडिंग रिकॉर्डिंग का आज चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। कल से हम एनोलॉजी पे जाएंगे। एनोलॉजी का हिंदी होता है समान, ठीक है, मतलब समान अर्थ वाले होते हैं। चलिए हम बिना लेट के कोडिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं कि दिस इज हमारा, ये हमारा लास्ट, मतलब आज का ही लास्ट सेशन है कोडिंग रिकॉर्डिंग का। और सारे के सारे जो है मैं रिकॉर्डेड, मतलब एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, सारे वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखो ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए जो जो है, और लिंक शेयर करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक विशिष्ट कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी को बुध, बुध को शुक्र और मंगल को सूर्य कहा जाता है, और शुक्र को मंगल। उसी कूट भाषा में शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच में इसको कैसा लिखा जाएगा, ठीक। शुक्र जो है बुध और पृथ्वी के बीच में, इसको कैसा लिखा जाता है, शुक्र को क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ पे आप शुक्र को मंगल कहा जा रहा है, तो शुक्र के बारे में यानी स्टार्टिंग मंगल में आ जाएगा। बोला क्वेश्चन पे शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में, इसका मतलब कैसा लिखा जाएगा। तो शुक्र को क्या कहा गया, मंगल, तो शुक्र के लिए मंगल वर्ड आ गया। बुध को क्या कहा जा रहा है, बुध को शुक्र कहा जा रहा है, तो बुध के लिए शुक्र वर्ड आ गया। पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी को कहा जा रहा है बुध, इसके लिए बुध आ गया। मतलब आंसर हमारा ये हो गया। क्वेश्चन पूछा है शुक्र बुध और पृथ्वी को बीच से कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे मंगल शुक्र और बुध के बीच से, ठीक है। एक और उसी तरह से जो पूछा है वो हमने किया। आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। देखो एक निश्चित कूट भाषा में ट्यूजडे इज सनी, है ना, मतलब होता है वो गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा गर्म था, उसको लिखा जा रहा है क्या। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्यूजडे है ना, ट्यूजडे इज सनी लिखा हुआ है, और इसको लिखा गया है ट्यूजडे सनी को कुछ ऐसे सी एन जी, ठीक है। आगे बोला सनी लव्स आइसक्रीम, सनी लव्स आइसक्रीम, इसको कैसे लिखा रहा है, पी जी और डी। उसके बाद है आइसक्रीम मिल मेल्ट फास्ट, आइस मेल्ट फास्ट मतलब क्या होता है, जल्दी पिघल जाना, वो मेल्ट मतलब पिघलना होता, उसको लिखा गया है पी डब्ल्यू एल, ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो बोला जैक रन्स फास्ट को कैसे लिखेंगे, जैक रन्स फास्ट, तो देखो अब यहाँ पे जैक लिख निकालना है, रन्स निकालना है और फास्ट निकालना है, ठीक है, इसको लिखना है। अब देखो कहीं पर है क्या, एक तो हमारा अगर फास्ट चाहिए हमें, ठीक है, तो यहाँ पे आइसक्रीम मेल्ट को हटाना पड़ेगा, तो आइसक्रीम के लिए तो एक वर्ड आया हमारा कौन सा भाई, आइसक्रीम के लिए तो पी आ गया, ये पक्का हो गया, ठीक है। और फास्ट के लिए हमें ढूंढना है, तो फास्ट के लिए यहाँ पे क्या बचा, अब देखो कॉमन हमें क्या समझना होगा, जैसे जिस तरह लिखा हुआ है एक तरह से देखो, ट्यूजडे सनी यानी इसका सी हो गया, इस के लिए एन आ गया, सनी के लिए जी आ गया, यहाँ पे सनी के लिए देखो अब क्या आ जा रहा है, यहाँ पे सनी है स्टार्टिंग में, आपका कौन सा दे रहा, पी दे रहा है। अब यहाँ देखो सनी के लिए जो वर्ड आया कॉमन वन ही हमारा जी आ गया, सनी के लिए जी आ गया ना। अब जैसे सनी के लिए जाएगा, अच्छा रुको रुको, जैक रन्स फास्ट को लिखा गया यहाँ पे ना, इसको लिखा गया है लेट। क्वेश्चन हमारा है सनी बॉल फास्ट, सनी बॉल फास्ट क्वेश्चन है, सनी के लिए कौन सा वर्ड आया हमारा बताना, सनी के लिए आ गया, दोनों में कॉमन था जी, सनी के लिए जी आ गया, ठीक है, सनी के लिए आप जी आ चुके हैं। बॉल्स के लिए, बॉल्स है क्या, नहीं है। फास्ट के लिए कौन दोनों मैच कर रहा है, इस दोनों में, तो फास्ट के लिए देखो एल मैच कर रहा है ना, तो फास्ट के लिए एल मैच कर रहा है। अब देखो एक रहा, तो अब देखो जी डी पी और जी एल पी है, तो जी हमारा मिला है और एल हमारा मिल गया फास्ट के लिए, तो हमारा आंसर दिस इज जी एल पी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इसको देखो हम इसे भी सॉल्व करते हैं, हमें टाइम भी बचाना है ना। देखो बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में डिविडेंड डी आई बी आई डी ई एन टी डिविडेंड को लिखा जा रहा हैज परसेंटेज जी प्रतिशत हैज स्टार और एट द रेट और एल, कितने लेटर हैं यहाँ पे देखना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और यहाँ पे कितने हैं सिंबल, तो दो चार दो छह सिंबल भी आठ है हमारा, ठीक है। तो और डैडी के लिए ये लिखा जा रहा हैज, ठीक है, तो बोला नेटिव के लिए क्या लिखा जाएगा, तो अब देखो यहाँ से पहले डी के लिए हैज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी के लिए हैज आया है, ठीक है ना, यहाँ पे आया है। उसी तरह से अब और ढूंढो, तो
इसी तरह एक लेटर हमारा मैच कर दे, स्टार्ट कीजिए। एन के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट। तो एन के लिए सेकंड लास्ट हमारा एट द रेट होगा, तो एन के लिए एट द रेट। ए के लिए क्या होना चाहिए, ए के लिए देखो यहाँ पे आया है ना साइन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये खत्म हो गया और ये हमारा आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, ये आंसर। आगे बोला फ्लावर को 8 लिखा जा रहा है, वाटर को 7, 2 को 5, मोस्ट का 6, ट्री का 6, तो क्या है इंटरडिपेंडेंस का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको फ्लावर में कितने लेटर हैं, 3, 3, 6 और यहाँ 8 लिखा गया, यानी जितने लेटर से उससे जितने भी लेटर हमारे पास उससे 2 बढ़ा के लिखा गया। ठीक है, आगे देखिए वाटर में कितने लेटर हैं, 5, कितना लिखा गया, 7, यानी 2 बढ़ा के लिखा गया। क्या लिखा गया है, 2 बढ़ा करके। आगे हमारा 2 है, कितने लीटर का है, 3 लीटर का, कितना लिखा गया, प्लस 2, यानी 2 पढ़ा करके। ठीक है, आगे बढ़े तो मोस्ट है, मोस्ट कितने लीटर का है, 4 लीटर का, कितना लिखा गया, 6, यानी प्लस 2 कर करके। ट्री कितने लीटर का है, 4, तो कितना लिखा गया, 6, यानी 2 बढ़ा करके। तो ये इंटरडिपेंडेंस कितने लीटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 है, तुम 2 बढ़ा कर लिखेंगे, यानी हमारा आंसर कौन सा, 17 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, आगे देखो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र को क्रमशः भौतिकी, इतिहास, उर्दू, अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से पढ़ा जाता है, जाना जाता है, मतलब ये कह रहा है यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र को है, तो भौतिकी, इतिहास, उर्दू, अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो बोला हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था, मतलब न्यूटन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था ये पूछा है। तो न्यूटन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, भौतिकी में पढ़ा था, लेकिन भौतिकी को क्या कहा जा रहा है, देखो भौतिकी हमारा 4th नंबर, अब भौतिकी को कहा जा रहा है अर्थशास्त्र, तो हमारा न्यूटन कहाँ हो जाएगा, कि न्यूटन को हमने कहाँ पढ़ा था, अर्थशास्त्र में, क्योंकि पढ़ा तो हमने भौतिकी में था। ठीक है, लेकिन भौतिकी को कहा जा रहा है अर्थशास्त्र, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, 102 नंबर। ठीक है, 102 नंबर क्या कह रहे हैं, एक निश्चित भाषा में तारा को 1600 कहा लिखा जाता है, तो नारा को क्या लिखा जाएगा, तारा को 1600, कितना, तारा को 1600, तो नारा को, तारा को 1600 तो नारा को क्या होगा, ऐसे पूछ, तारा का चलो तोड़ दो, क्या होता तारा, पी ए आर ए, है ना, इसका क्या है, पी का 20 होगा, ए का 1, आर का 18 और ए का 1 हो गया। ठीक है, टोटल कितनी हो गया, तो 18 2 20 20 40 हो गया, और 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600। ठीक है, उसी तरह से नारा का लिखा रहा है, तो लिख दो एन ए आर ए नारा। ठीक है, एन का कितना होता है, 14, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और ए का होता है 1, तो कितना हो गया टोटल दिखाना, तो देखो 14 15 16, यानी 4 5 1 6 8 6 14, एक बच रहा अपने पास, 2 3, यानी 34 हो गया। ठीक है, 34 का कितना होता है अपना, स्क्वायर करोगे तो 1156 होगा, 34 का स्क्वायर 1156, यानी दिस इज आंसर, 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1156 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है ऑरेंज है ना, ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया जाता है, ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड, जैसे कि मान लो देखो पहले लिखा गया ऑरेंज को किस तरह से, तो पहला कोड ओ पी आर एस ए बी एन ओ जी एच ई एफ, यानी पहले कोड में +1 किया गया सब जगह। ठीक है ना, दूसरे कोड में क्या किया गया देखना, एन ओ क्यू आर और जेड ए एम एन, यानी दूसरे कोड में -1 किया गया है सब जगह। पहले कोड जो किया गया है, पहला कोड उसको +1 करके, और सेकंड कोड जो किया गया वो -1 करके। ठीक है, ये देखो ऑरेंज को बोला 4 अलग अलग कोड में लिखा गया है, तो इनमें से फीस को किस तरह से लिखा जाएगा पूछा है। देखो पहला जो कोड है +1, दूसरा कोड है -1। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैसे लिखा गया फीस को, तो एफ जी +1, आई जे +1 और आई सॉरी क्या है, एफ जी आई जे के है, एस टी यू भी और एच आई जे के एल, मतलब यहाँ पे पहला कोड हुआ है +1 का बढ़ा है, फिर +2 बढ़ा है, फिर +3 बढ़ा है,
और फिर एफ जी पहले एक बड़ा है ना, आई जे के दो बड़ा है, एस टी यू भी तीन बड़ा, एच आई जे के एल यानी चार बड़ा है, यानी +1 +2 +3 +4 ऐसे बड़ा है। हम क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि कौन सा कोड आया। पहला कोड तो मैंने देखा +1 का है, दूसरा कोड आया -1 का, तीसरा कोड देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे हमें +1 वाला देखा गया तो हमें समझना होगा ये तो है नहीं क्योंकि माइनस में चला गया, दो प्लस हो गया। इसको देखो ओ से पी +1 हो गया है ना, आर एस टी यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है, ए से डी है +3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पहला कोड +1 से, दूसरा कोड -1 से, और तीसरा कोड हमने सर्च नहीं किया क्योंकि पहला +2 दिख रहा है और ये +1 से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन में हमारा +1 +2 है तो किसके साथ जाएंगे, यानी कोड नंबर कौन सा है, 4 हो गया। ये कोड नंबर 4 के अनुसार डिकोड किया गया, किसके अनुसार किया गया, कोड नंबर 4 के अनुसार डिकोड किया गया। ठीक है, समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको देखना होगा कोड नंबर कैसे 4 के अनुसार डिकोड किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ये क्या कह रहा है। 104 नंबर का कह रहा है मैन इज मोर्टल को +GALP लिखा गया, क्या है देखो मैन इज मोर्टल है ना, इसको लिखा गया +GALP। ठीक है, फिर है नीचे जेम्स इज मेन, इसको लिखा गया LPGAKU। फिर जेम्स इज मोर्टल, उसको लिखा गया KU+LP। तब से पूछा है कि मेन जेम्स का क्या लिखा जाएगा, मेन जेम्स का ढूंढिए मेन जेम्स कहाँ पे है। ठीक है, पहले अगर देखो इसमें और इसमें आते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में मेन और सेकंड वाले मेन है, मेन को आप ऐसे कर स्क्वायर कर दे ताकि आपको याद रहे दोनों मेन है। अब मेन में सिमिलर क्या मिला हमें, तो LP मिला है मेन के लिए दोनों में। ठीक है, तो मेन के लिए LP हो गया हमारा। ठीक है, तो पता है कि LP वाला होना चाहिए, तो चलो LP ये तो खत्म हो गया, LP यहाँ पे भी है और LP यहाँ पे भी, यानी दो खत्म, दो बचे हैं। उस वक्त बोला जेम्स के लिए, जेम्स के लिए क्या यूज होगा देखो। अब दूसरा हमारा इज है ना, हाँ देखो इज हमारा पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में, इज का छाट देते जेम्स का पता चल जाएगा हमें। इज का क्या छाटोगे देखना, देखो इसके लिए क्या छाटोगे, इज यहाँ पे भी है, इज यहाँ पे भी है, इज यहाँ तीनों में है, तो तीनों में कॉमन वर्ड क्या है हमारा, देखो GA GA और हमारा यहाँ पे प्लस, तीनों में कॉमन वर्ड हमें क्या दिख रहा है, देखो +GA हो गया यहाँ बचा है, GAKU हो और यहाँ पे प्लस है। क्या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, मैन इज मोर्टल +GALP+GA और जेम इज मोर्टल। अच्छा छाट लेते हैं, देखो कैसे छाटेगा, अगर किसी इस दो में देखते हैं तो प्लस ऑप्शन से फिर ढूंढो लास्ट में उपाय नहीं। देखो अब यहाँ पे अगर हम आते हैं जेम्स के लिए, यहाँ पे मैच कर रहा है, इसके लिए प्लस तो हो नहीं रहा है, अच्छा KU तो यहाँ पे छाट सकते हैं इस दोनों को लेकर के, इज के लिए हमारा प्लस, इज के लिए यहाँ प्लस, तो यहाँ पे KU लगा सकते हैं इसके लिए, तो LPKU आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो किसी कुट भाषा में फूड इज हॉट है, फूड इज हॉट है ना, और फैनी फूड इज हॉट को लिखा गया है फैनी दे डे मिल। ठीक है, इस तरह से लिखा गया, फूड इज हॉट को लिखा गया फैनी डे मिल है, ही इज रेडी को लिखा गया टीन टी अकेली लिखा हुआ है, कोल्ड एंड हॉट को लिखा हुआ KNKUMIL, आई एम रेडी को लिखा गया मिस्ड NAELA। ठीक है, तो बोला है टी इज हॉट को कैसे लिखोगे, टी इज हॉट, अब देखो हमें कैसे ढूंढना पड़ेगा, पहले वाले में फूड इज हॉट है यानी दोनों यहाँ मैच कर रहा है ना, और सेकंड वाले में टी इज है ना सिर्फ, हाँ देखो पहले वाले में है हमारा इज और दूसरे में भी हमारा इज है, दो मैच कर गया। अब इज के लिए कौन सा वर्ड है वो देखिए, पहले हैनी डी है और यहाँ पे डी, यानी इज के लिए हमारा आ गया डी ई। ठीक है, इन इज के लिए डी ई आना चाहिए, अब डी ई कहाँ पे है देखो, यहाँ पे है, इसमें तो नहीं है, तो हमारे यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी ई है, यहाँ पे डी है, उसके बाद हमें टी के लिए लेना है ना, टी के लिए देखो, तो टी हमारा कहाँ पे है, टी इस जगह पे है सेकंड वाले में, और फिर हमारा और है नहीं। ठीक है, तो टी के लिए, अच्छा रेडी के लिए देख लो पहले, रेडी के लिए छाड़ देते हैं, अगर रेडी के लिए हम देखो इसमें है, इसमें और इसमें रेडी के लिए, इसका वर्ड देखो क्या है कॉमन, अब देखोगे ये रेडी के लिए KELA आ गया, तो जैसे रेडी के लिए KELA आ गया यानी इसके लिए हमारा क्या बचा, DIN बच गया। ठीक है, अब देखो इसमें डिन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब एक हमारा बच रहा है, अच्छा केली तो हमारा छट गया था, वो रेडिक लिया गया था। ठीक है, अब हॉट के लिए हमें जानना है, हॉट के लिए ढूंढो,
यहाँ पे हॉट था और यहाँ पे फर्स्ट और हॉट उस पर है, तो इसमें क्या क्या मिल रहा है देखो, फाइनल डे मिल और यहाँ पे मिल रहा है मिल, यानी हॉट के लिए हमारा एम आई एल आ जा रहा है, हमारा एम आई एल यानी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबूलाल, हो गया। चलो आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन है पूछे हुए, इसको भी देखिए, ठीक है, कह रहा जंक्शन, क्या कह रहा क्वेश्चन, जंक्शन है ना, जंक्शन को लिखा गया है जेयू से टेट, जंक्शन को चार लिखा गया है, जंक्शन को चार विभिन्न कोड में लिखा गया है। तो क्वेश्चन देखो मैं, रुको 106 क्वेश्चन फिर यहाँ से है, ठीक है, ये बीच वाला गया, बीच वाला नहीं आना चाहिए था। देखो बताते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन पे यहाँ पे पहले ढूंढ लीजिए, कह रहा है जंक्शन को चार ऐसे लिखा गया है, अब ये क्वेश्चन को किस तरह लिखा गया ये ढूंढना होगा, पहले पहले जंक्शन को देखिए कैसे लिखा गया है, ठीक है, इसको देखो, ये है हमारा अगर कहें तो क्यू, देखो इसको, देखो ये है ना लिखा हुआ, जंक्शन को ऐसे लिखा गया, पर इसको ढूंढिए कैसे लिखा हुआ किस टाइप से। देखो अगर यहाँ से देखें पहले फर्स्ट बार में, तो जे है और क्यू है, यानी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्यू हमारा कितना होता है 17 होता है ना, क्यू 17 हो जाता है, ये 17 हो गया, ठीक है, यू का हमारा 21 होता है, ये 6 होता है, मतलब अब फर्स्ट वाले में देखो तो सारे के सारे अपोजिट हैं, फर्स्ट वाले में अपोजिट तरह से लिखे हुए अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है, सेकेंड वाले में आ जाओ तो जे के एल क्यू, जे के एल प्लस 2 बढ़ा है, ठीक है, क्यू से कितना बढ़ा है भाई 21 और 25 यानी 4 बढ़ा है, ठीक है, एन से कितना बढ़ा है तो एन हमारा होता है 14 और टी होता है 20 यानी 6 बढ़ा है। आप देख पा रहे होगे कि पहले वाले में सारा ऑपोजिट लिखा हुआ है, नहीं बिल्कुल ऑपोजिट, सेकंड वाले में किस तरह से बढ़ा है तो प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 इस तरह बढ़ा है, ठीक है, अगर इसमें आ जाओ तो देखो जे का के यू का वी डब्ल्यू एन का ओ पी क्यू, यानी यहाँ पे जो बढ़ रहा है किस तरह से प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, तो पहला कोड अपोजिट वाला, सेकंड कोड प्लस 2 प्लस 3 और थर्ड कोड हमारा प्लस 1 प्लस 2, अच्छा चौथा कोड ले लो तो जे के एल यू बी डब्ल्यू एन ओ पी, यानी इसमें सारा बढ़ रहा है प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो हमने देख लिया चारों कोड क्या है हमारा, हमने देखा जो 106 नंबर क्वेश्चन करे जंक्शन को ऐसे चार विभिन्न कोड में लिखा है, कैसे पहला कोड सारा ऑपोजिट याद रखना, दूसरा कोड हमारा प्लस 2 प्लस 4 करके, तीसरा कोड मतलब 1 2 3 करके, और चौथा कोड में हमारा 2 2 समय बढ़ते जा रहा है, तो बोला सेम क्वेश्चन को कैसे करना, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर मैं क्वेश्चन को कह रहा हूँ तो क्वेश्चन कैसे करना वो दिखाया, देखो ये क्वेश्चन है ना हमारा कस्टमर, ठीक है, इसको करना क्या क्या था बताओ, पहला कोड में क्या था, पहला कोड में था अपोजिट, दूसरा कोड में था प्लस 2 प्लस 4 करके, तीसरा कोड में था प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करके, ठीक है, और चौथा कोड में क्या था बताना, सब में प्लस 2 लगा हुआ था, ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसका होगा, सी है ना हमारा, सी को लिखा गया एक्स, तो सी होता है 3 और एक्स होता है कितना 24, यानी देखो अपोजिट है, यू होता है 21 और ये हमारा 627, यानी अपोजिट है, और अपोजिट वाला पहला कोड में लिखा होता है, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कोड यानी फर्स्ट, आंसर हमारा कौन सा फर्स्ट हो जाएगा ना, क्योंकि आपको वो पूछा था किस कोड के अनुसार लिखा गया, तो हमने क्वेश्चन में देखा था चार कोड थे, पहले में अपोजिट था, दूसरा में प्लस 2 प्लस 4 था, तीसरे में था प्लस 1 प्लस 2 और चौथे में प्लस 2 सब जगह था, तो जब हमने क्वेश्चन में ढूंढा है कि इसका इस तरह लिखा अपोजिट वाला, तो अपोजिट आंसर कौन सा होगा फुट 1 हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, इसको देखो क्वेश्चन अंधेरा आ गया थोड़ा सा ना इसमें, ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अपोजिट, बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या है, ये ओ पी आई इस तरह लिखा हुआ, इसको लिख देता बगल में तो दिखेगा नहीं आपको, चलो
किससे लिखा गया है? पहला है ओ ओ पी, ठीक है, आई ओ और फिर आई पी, किससे है ना, फिर है ओ पी पी फिर आई ओ पी लिखा गया कोड, इसको कुछ ऐसा लिखा गया है ओ आई पी, ठीक है, ओ आई पी, फिर से ओ पी पी, इस तरह से लिखा गया है, और फिर आई ओ पी है, आई ओ पी है और पी ओ पी आई है, इस तरह से है। तो कितने लेटर हैं यहाँ पे? चार, आठ, बारह, यहाँ पे भी चार, आठ और हमने क्या कर दिया दादा, चार आठ बारह, चार आठ बारह है, ओ आई पी और फिर ओ पी पी आई, ठीक है, और फिर ओ पी ओ पी आई, या नहीं है, देखो थोड़ा सा ये हो रहा है होगा कंफ्यूजन क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ा। देखो यहाँ पे क्या है, कैसे लिखा गया होगा, देखो ये, देखो ये इस तरह से रहा है ना, ये हो गया हमारा पी आई, ऐसे चेंज हो गया, ठीक है, फिर हमारे इस तरह से रहा और ये ऐसे बदल गया, ठीक है, फिर अब क्या हुआ, इसी तरह से हम लेके चलते हैं क्वेश्चन पे, तो पहले हमारा सेम रहा होगा, अब देखो है नहीं उस तरह से क्वेश्चन पे, कुछ और तरीके अपनाया होगा, ठीक है, देखो यानी क्वेश्चन पे कैसे ढूंढे, पहले डब्ल्यू डब्ल्यू का आगे है नहीं और क्वेश्चन पे ओ है, तो यानी कुछ और तरीके सोचा है, देखो ओ पी आई है यहाँ पे, देखो ओ पी आई लास्ट में, ये लास्ट वाला सीधा यहाँ चला गया ओ पी, अब इस तरह से ढूंढ है क्या, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू एफ के है ना, इसमें देखो डब्ल्यू एफ का लास्ट में, तो आंसर हमारा सीधा ये हो गया, ठीक है, जैसे डब्ल्यू एफ वहाँ पे फर्स्ट मिला, डब्ल्यू एफ यहाँ पे लास्ट में, ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है कि एरोमा को लिखा गया है एट द रेट परसेंटेज यू एट द रेट एस डॉलर, ठीक है, ई एल ई को लिखा गया डी डी हैज, ठीक है, रोज को इससे लिखा गया है, तो आपसे बोला है कि एम ए आर यू, मारियो को कैसा लिखा जाएगा, अब ढूंढो इसको कैसे होगा, क्या कॉमन है वहां पे, देखिए देखो एरोमा अगर यहाँ पे है तो ए आर ओ एम ओ है, ठीक है, यहाँ पे रोज है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए आपको किस तरह से लिखा गया होगा, या क्या क्या बदलाव किया गया है, अगला समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बताओ ना, देखो यहाँ पे ए दो बार आया है ना, और दो यहाँ पे एट द रेट है, मतलब ए के लिए हमारा एट द रेट लिखा गया, ठीक है, समझ में आ रहे हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर है, तो आर के लिए हमारा कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों में प्रतिशत आर के लिए मैच कर जा रहा है, अब क्वेश्चन से ढूंढते हैं, एम है ना हमारा, ए के लिए हमारा कौन सा आया था वहां पे, ए के लिए हमारा एट द रेट, ए वाला वर्ड में एट द रेट कहाँ पे दिख रहा है हमें, देखो कहीं पे है एट द रेट, तो देखो इस दोनों में एट द रेट है, ठीक है, ये दोनों खत्म, अब आर के लिए हमारा क्या आया था, दोनों में मैच कर रहा था प्रतिशत, आर के लिए प्रतिशत ये आ जाएगा, यानी ये यहाँ पे प्रतिशत हो गया, ठीक है, देखो उसके बाद हमारा एम के लिए ढूंढना है, तो एम के लिए क्या था वहां पे, देखो अच्छा देखो इस दोनों में, तो ई के लिए क्या मैच कर रहा है यहाँ पे, डी डी और ई के लिए, तो ई के लिए हमारा कौन सा आ गया, डी आ गया, ई के लिए डी आना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है, एट द रेट परसेंट ऑफ डी, एट द रेट परसेंट ऑफ डी, इसके अनुसार देखो ये कॉमन देखना है हमें, इस दोनों में ए आया था, यहाँ पे दोनों एट द रेट था, तो ए के लिए हमारा फिक्स था एट द रेट, तो हमारा ई दोनों पहले छट गया, एट द रेट वाला आ गया, उसके बाद हमारा हमने कहा आर, तो आर देखो कहाँ का मैच कर रहा था, इस जगह पे, इस जगह पे, इस दोनों में कॉमन क्या था हमारे, प्रतिशत, तो आर के लिए परसेंटेज वाला ऑप्शन छठा, इस दोनों में बचा, ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ई चेक करो, ई एल ई था, उसके डी डी था, दो लेटर के लिए डी डी मैच किया, यहाँ पे ई के लिए डी है, तो हमने कहा कि ई के लिए डी होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं, इसमें ऑप्शन है, ठीक है, इसको देखो क्या लिखा गया, आर वाई जी लिखा हुआ है ना, आर वाई जी को लिखा गया है किसी विशिष्ट तर्क द्वारा, वाई आर टी उसी भाषा में, ई पी बी को लिखा गया है, पी ई वाई से संबंधित है, विकल्प में कौन सा उसी तरह संबंधित पूछ रहा है, देखो आर वाई है, क्या लिखा हुआ, आर वाई और जी, इसको लिखा गया है वाई आर टी,
ठीक है, अब ढूंढो इसको, दूसरा है हमारा ई पी बी, उसको लिखा गया पी ई वाई। अब पहले ढूंढिए इसको कैसे लिखा गया है ये, तो देखो आर यहाँ पे आया है, वाई यहाँ पे, ये जी हमारा क्या है, जी का वैल्यू होता है टी, साथ इसका होता है बी, यानी ई दोनों आपस का एक दूसरे का अपोजिट है। क्या अपोजिट? ये एक दूसरे से क्रॉस किया है और ये अपोजिट है, उस तरह से देखो ये क्रॉस किया है, ये बी का वैल्यू 2 होता है इसका 25 होता है, यानी अपोजिट लिखा गया। सेम क्वेश्चन पे अगर जाते हैं तो पहले दोनों के क्रॉस होना चाहिए फर्स्ट वाले में, तो देखो यहाँ पे ए एस एस ये तो सही है, लेकिन इसको मैं थोड़ी अपोजिट है, जे का होता है 10, ये होता है 8 18, तो अपोजिट का मतलब दोनों का सम 27 होना चाहिए, ठीक है, तो देखो ये नहीं है हमारा। उसके बाद देखो ए एस भी ठीक है, लेकिन आई का होता है 9 और पी का होता है 16, 16 नौ 25 अपोजिट नहीं है। ए एस टुक मिला, इसको देखो जे का होता है 10 और पी का होता है 16, 16 10 26 ये पर नहीं है, ठीक है। इसका देखो इसका होता है 9, इसका 18, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। जो देख रहे यस और नो बताइए जल्दी से, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसको देखो ये है बुक पेन बराबर 8, पेन एन आई बी बराबर क्या होगा, ढूंढो उसको। बी बुक का क्या होता है, बी का 2, ये 15, ये 15 और के का 11, ठीक है, और इसको माइनस में हमारा ओ का 16, ये 5, ये 14 हो गया। इसको जोड़िए तो एक बार, 5 तो 7, 5 12 13, एक बच रहा अपने पास 2 3 1 4 43 हो गया। इसको देखो 6 5 11 6 15, एक बच रहा है ना 2 1 3 35, इसको घटाने में कितना हो रहा है, यानी 8 हो रहा है घटाने के बाद, मतलब वर्ड को लेटर लिखा जोड़ दिया गया है तो घटा दिया गया, ठीक है। तो बोला इसमें क्या होगा, तो पी का कितना होता है 16, ई का 5, एन का 14, एन का 14 होगा, ठीक है, आई का कितना हो जाएगा 9 और बी का हमारा 2, तो जोड़िए 14 से 14 खत्म हो गया, 16 5 21 इधर हो गया और 9 2 11, यानी 10 बच रहा है हमारा, तो आंसर हमारा 10 वाला कौन सा होगा भाई, यहाँ पे 10 हो जाएगा ये आपका आंसर, मतलब जोड़ने के बाद जोड़ करके दोनों के वर्ड आपस में घटा दिया। गुड मॉर्निंग, ठीक है, जोड़ के दोनों में आपस में घटा दिया गया, ठीक है, ऐसा किया गया क्वेश्चन को। चलिए आगे देखो, इसको देखो कह रहा है कि स्पून, अब देखो इसको पढ़ो क्या लिख रहा है, कह रहा है स्पून का अर्थ है प्लेट, प्लेट का अर्थ है बॉल, बॉल का अर्थ है ग्लास और ग्लास का अर्थ है स्पून, ठीक है, क्या क्या लिखा के पढ़िए, स्पून का अर्थ है प्लेट है ना, और प्लेट का अर्थ है बॉल, ठीक है, स्पून यानी प्लेट, चम्मच है, चम्मच का मतलब है प्लेट है ना, और प्लेट का मतलब बॉल, बॉल होता है कटोरी शीशा वाले, और बॉल का अर्थ है ग्लास, बॉल का अर्थ क्या है, ग्लास है, और ग्लास करते हैं स्पून, तो बोला पानी पीने के लिए किसका उपयोग करें, तो पानी पीने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, ठीक है, तो ग्लास को क्या कहा जा रहा है वो देखो, ग्लास का अर्थ है स्पून, तो स्पून हमारा आंसर हमारा स्पून हो जाएगा, ग्लास का अर्थ स्पून होता है, स्पून आंसर, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे कृत्रिम भाषा कुछ कोड दियो कैसे, उसको ढूंढना है। देखो नॉर यूएसआई को लिखा गया बैट विंग, ऑड यूएसआई को लिखा गया बैटमैन, ऑड जेयूएल को लिखा गया सुपरमैन। बोला है कि सुपर रिच किसका होगा, ठीक है, रिच तो है नहीं, सुपर का ढूंढो पहले क्या करोगे। अब देखो मैन का दोनों पहले हटा दो, मैन के लिए हमारा कौन सा वर्ड आया है, तो दोनों में है ऑड, ये हट गया, यानी सुपर के लिए क्या बचे, जेडयूएल, ठीक है। अब देखो जेडयूएल कहाँ पे है, तो जेडयूएल हमारा सिर्फ यहाँ पे, तो आंसर हमारा दिस इज ए नंबर का आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आ रहा है, बताओ तो जल्दी से। चलिए इसको देखो, ये कैसे लिखा गया, ए आई टी है ना, देखो बोला कि के आई टी 20 को लिखा होगा, पी आर जी 50, तो के आई टी का वैल्यू क्या होता है, के का होता है 11, आई का होता है 9 और इसका होता है टी का 20, होता है ना, तो कितना होगा 11 9 20 और 20 40 हो चुका है, मतलब ये हमारा वैल्यू हो रहा है, ठीक है, 20 40 हो रहा है, इसको लिखा गया 20, इसको देखिए क्या लिखा गया, देखना ये हमारा पी का होता है 16, आर का 18 और ई का होता है 7, कितना हो गया 8 6 14 7 21, 2 बच रहा है ना 3 4 41, इसको लिखा गया 50, मतलब ये देखो कि इसका यहाँ पे 2.5 गुना लिखा गया है, तो हमें और यहाँ पे 16 32, ये भी 2.5 गुना लिखा गया है, तो क्वेश्चन में इसका 2.5 गुना देखना है, तो 18 का 2.5 गुना कौन सा 45 हो जाएगा, आपका ये तो पहले ये आ गया, ठीक है। उसको देखो
यहां से डबल करके प्लस वन किया गया, इसका देखना, पांच दुग्ध और बीस, ये कितना हो रहा हमारा, तो पांच चार नौ और ये उनचालीस हो चुका है, ठीक है। इसको देखो बाईस और ये तेरह प्लस सात, यानी बीस और ये बयालीस हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और किया गया, क्या किया गया देखो, जैसे ये 20 है ना, इसका 50 लेके यानी इसका ढाई गुना, और ये के हमारा 11 होता है, ये 16 यानी अपोजिट इसके हैं, ठीक है। 9 18 अपोजिट 20 सात 27, यानी लेटर पे अपोजिट है और जो डिजिट है उसका ढाई गुना लिखा गया, इसका देख लीजिए। हमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ये ना इसका अपोजिट एम का एन होना चाहिए, एफ का 6 होता है और 21 से 27, सी हो जाएगा जी का टी, यानी ये आपका एन यू टी, तो एन यू टी और 45, मतलब इसका ढाई गुना और लेटर का अपोजिट, ये हमें देखना था, ठीक है। आगे देखो, चल नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे आज का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसको देखिए। अब क्या इसको इसको कैसे लिखा गया देखो, ये बी है ना इसका, तो ये 21 23 और ये 7 है, ठीक है। इसका देखो ये 7 हो रहा है, डैड यानी 26 आई 9 18 और 12, क्या किया गया होगा बताना, और यहाँ पे इसका 12 यहाँ पे, ठीक है। देखो ये 2 है ना, ये 7 है, कितना प्लस हो गया यहाँ पे 5, ये 21 है तो 5 26 2 है तो 18, देखो तो डिजिट में क्या 18 5 23 है ना, और 7 2 कहाँ हो गया मैच कर रहा हमारा, 7 और ये 5 है ना, तो 12। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला कि लेटर जहाँ पे वहाँ पे 5 बढ़ा दिया जा रहा है और यहाँ पे डिजिट हुआ 5 घट गया, ठीक है। उसे इसमें ढूंढिए, इसका जी है ना 7 5 12, यानी एल का सारे टर्म, यानी ये एल वाला टर्म आंसर होगा, ये खत्म हो गया। यू है ना, यू का वैल्यू कितना होता है 21 5 26, यानी जेड होना चाहिए, तो आपका ये भी फिनिश हो चुका है, दो बच्चा। यहाँ पे हमारा क्या 18 5 घटना चाहिए ना, तो ये 13 ये दोनों सही है। इसका देखो एन है और एन का हमें 5 बढ़ाना चाहिए, तो 14 और 5 19, ये 19 हो रहा है, दिस इज आंसर, ठीक है। इसको देखो नेक्स्ट वाले देखो, आगे देखिए क्या बना कैसे बनाए, अगर मैं इसको देखूं तो देखो जे का क्या होता है 10 आई का 9 एन का 14 और एक्स का 24। अब यहां से क्या किया गया बताओ, क्या कहां 5 बटा 1 कर दी बोल रही है, जून। अच्छा अभी देखिए क्वेश्चन सब उठा के देखिए, और कोई उपाय नहीं है। जे के लिए 5 आया है यहाँ पे, आई के लिए 8 आया, ठीक है, एन के लिए 6 और एक्स के लिए 2। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, जून है ना, तो जे के लिए हमारा क्या यूज हुआ 5, तो सारे 5 हो गए। उसके बाद यू है ना, तो देखो यू के लिए क्या यूज हुआ यहाँ पे, 1 यूज हुआ है, तो यू वाले टर्म में हमारा 1 होना चाहिए। एन है, एन के लिए हमारा क्या यूज हुआ है 6, तो एन के लिए 6 होना चाहिए, यानी ये खत्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे है। ई के लिए 3 है ना, तो ई के लिए देखो 3, अब कौन सा करेंगे हम, दिस इज आंसर, ठीक है। तो ये आज का कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो चुका है, चैप्टर यहीं तक था, ठीक है। ये कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सुबह एनालॉजी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल को इस टाइम में 7 बजे, और अभी जिनको जिनको क्लास कर रही है 7:30 बजे, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 2D पे, ठीक है, जो सर्कल का हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।